बिलाल पटेल साहब से पहले के हम बकायदा बिलाल भाई के इंटरव्यू का आगाज करें, मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बाकायदगी के साथ मिलती रहे। तो चलते हैं बिलाल भाई की तरफ। जी बिलाल भाई, आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको YG की आने वाली सारी वीडियो पर वक्त मिल सके। क्या बात है बिलाल भाई, खो कर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, हमें दुनिया को भी ना पाओगे जब हम नहीं होंगे। बहुत आसान सही राह पर सितम फरमाओगे जब हम नहीं
होंगे हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे हमारी दुनिया को वीरान पाओगे जब हम नहीं होंगे हमें खोकर तेरह साल हो गए और कितने बच्चे माशाल्लाह क्या करते हैं साहबजादे आपके हमारे व्यूअर्स को जरा ये बताइए कि आपने म्यूजिक की दुनिया में कैसे कदम रखा मतलब कैसे ख्याल आया कि आप सिंगिंग स्टार्ट करें अजीब मतलब की जिसको कहते हैं बचपन की कि किशोर कुमार है कौन फिर दिमाग में ये डिसाइड कर लिया कि ये तो मैं गया था खुद हूँ यही मेरे कोई बहुत करीबी रिलेटिव ये दिमाग ने कुछ डिसाइड खुद तो क्या था कि किशोर था कि जब डेथ हुई तो मैंने सोचा कि अब कौन गाएगा बस एक वो बचपना था तो वो बचपना ने कहा कि उस बचपन ने कहा कि अब मैं गाऊंगा सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाइयो बहनो ए मरचन भाई सचन भाई सामलो रे सामलो ओ राधी पा ओ धोंडी पा आई ता ओ चलन सिंह ओ चलन सिंह अरे तू ही छोड़ो पावे जैसे किशोरदा बोलते थे कि मेरे गुरु जिनको मैं अब तक अपना गुरु मानता हूँ वो थे कुंदन लाल सहगल जी तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं जिनको अपना गुरु मानता हूँ और मानता रहूंगा वो है किशोर मोइन अख्तर साहब से आपका भी रहा है मोइन भाई से मेरा भी रहा है कोई एक उनकी लाइफ के बारे में कोई ऐसा वाकया लोगों को बताएं मोइन भाई अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन सही बात ऐसा आदमी मैंने शायद अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा और उनका एक गाना मैं शेयर करूंगा आपसे यहाँ जी प्लीज प्लीज जो मोइन भाई ने लिखा था और मुझे अपने घर बुला के सुनाया था अच्छा मोइन भाई का लिखा हुआ मोइन भाई का गाया हुआ उस वक्त मैं उनसे कहता रहा कि मोइन भाई ये मुझे दे दीजिए ये मुझे दे दीजिए कहने के नहीं ये तुझे दूंगा नहीं वो गाना था ना रहेंगे लेकिन जहां में हमारी कमी तो रहेगी जियोगे सुकून से मगर याद रखना बड़ी बेसुकूनी रहेगी वाह
वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है मोहित भाई के सॉन्ग की, क्या बात है। और आपने भी बहुत आला इस पे कंपोजिशन की है। नहीं, ये कंपोजिशन भी मोहित भाई की और लिरिक्स भी मोहित भाई के। अच्छा, सिंगारा जी कोई धड़के तो सावन उसे बुझाए। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, अब उसका माइंड डॉक्टर की तरफ है ही नहीं, उसका माइंड मैकेनिकल साइड पे, इंजीनियरिंग साइड पे। ना यहाँ पे बिजली है, ना यहाँ पे पानी है, मेरे देश की यारो ये एक गजब कहानी है। सर ने लाइक्स देख रहा था, ओके, किस किस के लाइक्स आए, किस किस के कमेंट आए। एक साहब आए, मेरा मोबाइल छीना, मैंने कहा एयरपोर्ट के लाउंज में भी मोबाइल छीन जाता। आई वाज शॉक्ड। उन्होंने क्या किया कि एक वीडियो प्ले करके मुझे दे दिया फोन। आप यही प्ले करना चाह रहे थे ना। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे मुझसे पूछ तो लेता कि मैं क्या करना चाह रहा था। मैं तो अपने नोटिफिकेशन देख रहा हूँ, अपने स्टेटस देख रहा हूँ, अपने कमेंट्स देख रहा हूँ। जबरदस्त, वेरी नाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अभी बेल का बटन दबाना जरूर याद रखिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। अच्छा बिला, अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त अपने होस्ट वाई जी को इजाजत दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।